फैक्ट एडिशन के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। इजिप्ट में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है कायरो स्ट्रीट और वहाँ से पिरामिड्स कुछ ऐसे लगते हैं। और ताइवान ही पहला ऐसा देश था जिसने वहाँ के सिटीजन्स को मुफ्त में वाईफाई ऑफर किया। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूट्यूब पे पहले 1,00,000, 1,000,000 और 10,000,000 सब्सक्राइबर्स किसने किए थे? इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 20, जापान में एक ऐसे कुछ होटल्स हैं जहां बंदरों को वेटर बनाया जाता है और तनख्वाह के लिए इन्हें केले दिए जाते हैं। नंबर 19, बुगाटी चिरॉन कार के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो उस कार का इंजन इतना पावरफुल है कि उसकी फुल कैपेसिटी में उसे यूज किया जाए तो उस इंजन को रॉकेट लॉन्च के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 18, इस इमेज में जो आप मोती देख रहे हो वो है दुनिया का सबसे पुराना मोती जो कि 8,000 साल पुराना है और ये रूम के फर्श पर मिला था जो कि अबू धाबी के होटल में है। नंबर 17, आप जो मर्सिडीज का लोगो देखते हो उसमें इन 3 पॉइंट्स का भी एक मतलब है। इस पॉइंट का मतलब है कि लैंड और इस पॉइंट का मतलब है पानी और इसका मतलब है हवा। इन सबको हमेशा इम्प्रूव करने के लिए ये डाला गया था। नंबर 16, इस इमेज में जो आप देख रहे हो वो है साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का डेस्क जो कि उनके डेथ के दिन ऐसा लग रहा था। नंबर 15, माइकल जैक्सन जो कि एक बहुत फेमस स्टार थे वो 150 साल जीना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 12 डॉक्टर्स अपने घर में रखे थे जो माइकल जैक्सन का डेली चेकअप करते थे और उनके खाने सर्व करने से पहले वो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता था। नंबर 14, चाइना के शंघाई में ऐसे पहाड़ों के बीच में कैंपिंग की जाती है और इसे स्काई कैंपिंग भी कहते हैं। नंबर 13, अगर मैं आपसे पूछूं कि नोकिया कंपनी पहले क्या बनाती थी, आप कहोगे मोबाइल फोन, लेकिन ये कंपनी पहले पेपर बनाया करती थी। नंबर 12, दुबई में जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो वहाँ की शेख लोगों ने नहीं बल्कि सैमसंग जो कि एक मोबाइल फोन बनाती है उस कंपनी ने इस बिल्डिंग को बनाया था। नंबर 11, इस इमेज में जो आप हाईवे देख रहे हो उसे हाईवे ऑफ हेवन भी कहते हैं और ये वायोमिंग में स्थित है। ये रोड को देखने से ऐसा लगता है कि ये जैसे हेवन को ही जा रही है। नंबर 10, एक जर्मनी का आदमी, उसने अपना बर्थडे ऑलमोस्ट 2 दिन तक सेलिब्रेट किया और वो कैसे, वो अलग अलग देशों के अलग अलग टाइम जोन में जाके उसने अपना बर्थडे लगभग 2 दिन सेलिब्रेट किया। नंबर 9, रशिया में 1929 से 1940 तक यानी कि 11 साल सैटरडे और संडे को अपने कैलेंडर से निकाल दिया क्योंकि वहां के वर्कर्स को कंटिन्यूसली काम कराने के लिए। नंबर 8, फिलीपींस में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा गया था जो कि था 1 घंटे में 3.2 मिलियन पेड़ों को प्लांट करना। जी हाँ, 1 घंटे में 30,00,000 से भी ज्यादा पेड़ों को प्लांट किया गया था। नंबर 7, ऑडी जो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ऑडी ने इस लोगो को बनाया था और उन्होंने इस आइस के लोगो को पिघलने तक ऑडी ने उनके कार्स को खरीदने के लिए डिस्काउंट भी दिया था। नंबर 6, एक इजिप्शियन सिटी जिसका नाम था हेरोक्लोइन, वो 1200 सालों के बाद ओशन के नीचे पाया गया था। नंबर 5, जापान में मार्च 2011 के अर्थक्वेक में एक रोड 2 हिस्सों में बट गया था और वो ऐसा कट गया था कि वो रोड को एग्जैक्ट सेंटर से काट डाला था। नंबर 4, जापान में बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है क्योंकि वो बाद में उन्हीं स्ट्रीट्स को साफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर 3, अगर हम अर्थ से 10 लाइट ईयर दूर एक बड़े से आईने को रख दें और हम उसे टेलीस्कोप से देखें तो थ्योरेटिकली हम 20 साल पीछे देख पाएंगे कि उस जगह पे क्या था। नंबर 2, यह है दुनिया का पहला लैपटॉप जिसका नाम था ऑसबॉर्न 1 जो कि एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में बनाया था और इसका रैम जो है वो है 64 KB, MB नहीं KB, सिर्फ 64 KB इसका रैम था। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि यूट्यूब पे पहले 1,00,000, 1,000,000, 10,000,000 और 100,000,000 सब्स किसने कंप्लीट किए थे? तो पहले 100K स्मॉश नामक चैनल ने कंप्लीट किए थे, 1,000,000 सब्स फ्रेड नामक चैनल पे यूट्यूब पे कंप्लीट किए थे और 10,000,000 सब्सक्राइबर्स फिर से स्मॉश नामक चैनल ने कंप्लीट किए थे और यूट्यूब पे पहले 100,000,000 सब्सक्राइबर्स किसने कंप्लीट किए होंगे? ये तो आपको पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। ये था टी सीरीज जो है इंडियन म्यूजिक कंपनी और दूसरा चैनल है प्यूडीपाई।
जो कि 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कंप्लीट किया था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और